कांग्रेस पार्टी। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जम्मू की जनता को? लोगों में कितना गुस्सा है आप देख सकते हैं। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव का दौर है, भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। आज आपने देखा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी यहाँ पे आए। सेकुलरिज्म की ताकतों को इंडिया ब्लॉक को मजबूत यहाँ पे करना है। हम मिलजुल के जम्मू कश्मीर से बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे। भारत स्टेट नहीं तोड़ी थी, इस बार स्टेट तोड़ी, हम बीजेपी को तोड़ेंगे जिसने हमें यूटी में तब्दील किया। लेकिन इस बार श्रीनगर के हवाले है तो आपको लगता है ये मार्जिन में कुछ खेल खेल? कोई फर्क नहीं, भाजपा कहीं दिखाई भी नहीं देगी। अभी तो तूफान चलना है, ये तो आज उसकी शुरुआत है। पर जिस तरह से परिसीमन किया गया है, आपको लगता है कि वो वोटों के गणित पर किया गया? वोटों के और मजहब के नाम पे कई जगह पे किया है। जो भाजपा ने जो करके दिखाया, हमारा जो मेंबर पार्लियामेंट था, मेंबर था, चुप रहा। हमें उसके साथ लेना देना नहीं जो डिलिमिटेशन में कर सकते थे, इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं। और अब वक्त आएगा, हम इसको सारा रिवर्स करेंगे। आपके वोटों पर असर पड़ेगा? हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि सारे लोग परेशान यहाँ पे, सब मरीज के तौर पे वो देख रहे हैं कि डॉक्टर उनका अच्छा नहीं था, अब डॉक्टर बदलना है और डॉक्टर कांग्रेस के तौर पे मिलेगा। दोनों सीटों पे जमानतें जब्त होंगी। लेकिन बीजेपी, आपने उनका रेला देखा होगा, वो तो बोल रहे थे तूफान की रैली है, लेकिन बाद में कुछ नहीं था। आज देखो पूरा शहर लोगों से भला पड़ा है, लोगों से भरा पड़ा, इतना इतनी रैली आ रही है। तो इंशाल्लाह कांग्रेस जो है जीत रही है इलेक्शन, दोनों जगहों पे जीत रही है। उपार साहब, जिस प्रकार से बीजेपी कह रही है कि 400 पार इस बार होने वाली है, क्या कहेंगे? कोई 400 पार नहीं, हवाबाजी होती है। क्या लगता है इस बार गवर्नमेंट बनेगी सेंटर में इंडिया अलायंस की? जम्मू में आप देखो हवा क्या है कांग्रेस पार्टी की, पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। और इस बार 5-5 लाख से हम दोनों सीटें, 5 लाख जम्मू की सीट और 5 लाख से कुठवा उधमपुर की सीट भी ले रहे हैं। लाल सिंह आज ही जीत चुका है और अमन बल्ला भी जीत का झंडा गाड़ चुका है। आज फार्म भरेंगे और अभी बीजेपी जो है पस्त हो रही है। दोनों कैंडिडेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा को रिजेक्ट कर चुके हैं लोग। कश्मीर की जनता चाहती है बदलाव। उन्होंने 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन देख लिया है। लोग परेशान है, देश को बर्बाद किया और खास करके जम्मू कश्मीर को बहुत ही बर्बाद कर दिया है। तो अब जनता चाहती है कि बड़ा बदलाव आए और बदलाव से फिर से कांग्रेस उधमपुर में और जम्मू में जीते और देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आए। वो तो कहते हैं कि 400 के पार जाएगी, वो तो बातें करते ही रहेंगे, लेकिन ये 2004 वाली बात आ गई है। वो इंडिया शाइनिंग की बात करते थे और वो फेल हो गए और फेल होके कांग्रेस पार्टी जीत गई और कांग्रेस की सरकार बनी। उसी तरह 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। उनको कोई वोट नहीं डालेगा, उन्होंने किया ही कुछ नहीं है। पानी साहब, क्या कोई मजबूती करते हुए गुलिस्तान से वकार सुलवानी ने यह साफ कह दिया है कि जीत जो है वो पक्की हो चुकी है और जो भाजपा जो है उसे रिजेक्ट जो है वो कर दिया गया है जनता द्वारा। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विन कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट।